तो वहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि डॉलर ब्रैकेट स्टार्ट POR1 डॉट आइटम कोड। अच्छा, तो जहां पे वो आइटम कोड होगा वहां पे उठा लेगा वो। जरा यहाँ एसएपी में हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, ये है एसएपी। यहाँ पर जो लिख रहा है ना, इसको हम डायरेक्ट वो क्वेरी जनरेटर कहाँ है, अभी खोल रहा हूँ। नहीं, ये इसमें अगर हमें एड्रेस से ले जाना है तो हमें आइटम 38, तो डॉलर के साथ 38 पॉइंट, पॉइंट के साथ क्या, 1.0। अच्छा 0, मतलब वो सही लगा रहा था मैं, 0.1.0 वो सही लग रहा था। तो ये हम इसमें ये आए, जीरो क्या है, ये डॉलर वो थर्टी जीरो एट है। एक मिनट, आप क्लियर हो जाओगे अभी 2 मिनट कर। यहां से हम इसको क्लिक नहीं कर सकते हैं क्या इस पे? मैं दे रहा हूँ, असेसमेंट दे रहा हूँ, एनी डेस्क से कनेक्ट करना पड़ेगा रंगीन। अच्छा, तो एनी डेस्क। हाँ हाँ मैं दे रहा हूँ। आज सेशन स्पेशली रणवीर के लिए ही रखा था कि वो तो ये लेट हो रहे थे, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, रणवीर के बारे में बता दूँ, आप लोगों को पता होगा रणवीर मेरा यंगर ब्रदर है, और इसको समझिए 9 साल का एक्सपीरियंस है इसमें टेक्निकल में, और अभी ये कंपनी है नोया, नाम नहीं लूंगा, कि उसको ये एज ए टेक्निकल मैनेजर के तरह हैंडल कर रहा है। जानता हूँ सर, मैं इनको जानता हूँ। हाँ, तो बट कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये वीडियो बन रहा है, तो इसलिए सही नहीं है। ये नहीं, मैं है इनके बारे में जानता हूँ। एनीडेक्स नंबर 160 160 410 410 2783 टू सेवन 83 एट थ्री क्योंकि FMS वगैरह मैं लगा लेता हूँ, बट मुझे उतना क्लियर नहीं रहता है, मैं झूठ क्यों बताऊँ, ये टेक्निकल चीजें हैं, तो इसीलिए मैं देख। अच्छा, तो मैं अपना इधर से बंद कर दूं क्या, यहां से ये म्यूट कर देता हूँ, कोई नहीं, ये हो गया, ठीक है, अब ठीक बोलना, है, अब सही है। चल इसको थोड़ा सा से हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। ये कोड लिखने के बजाय छोटी छोटी चीज पर प्रैक्टिस हाँ, करेंगे तो छोटी छोटी बेटर चीजें होगा। बता के आप क्लियर करोगे तो इन लोगों को भी क्लियर होगा, मुझे भी थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे चीजें ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि इस एड्रेस में जो भी वैल्यू है उसको हम फेच करा के देखते हैं कि इसमें आता क्या है। ओके। ठीक है, हाँ इसको अगर हम सेव कर दें FMS में टीटी के नाम से और इसे हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब हम चले गए परचेज ऑर्डर पर और इस फील्ड पर क्लिक करके टूल्स में जाइए, क्वेरीज, यूजर क्वेरीज, FMS में इसको टीटी को सेव किए थे, इसको एग्जीक्यूट करके देखिए। ये यहाँ आइटम देखिए कोड, क्या आया, ये आइटम वही कोड दिख रहा आइटम है। कोड आ गया हाँ ठीक है, मीन्स। और ये जो हम लोग लिखते हैं यहाँ क्वेरी में जो लिखे हुए हैं, यह होता है हर एक कॉलम का एड्रेस, एड्रेस ठीक है, ये वाला, ये जो है 38.1.0 आप जो लिख रहे हो ये है एड्रेस। अगर इसमें भी अगर कंफ्यूजन होता है कि एड्रेस मुझे सही से नहीं इसमें रणवीर, देखने थोड़ा नहीं सा आता है थोड़ा, कि एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। ये जो क्लियर, ये जो 38.10 है, अब यहाँ पे हमने डाला जो 38.10 है, कहीं और डालेंगे तो कुछ और आएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया, अगर मैंने कर्सर डाला तो आइटम 38 है, पेन 1 है और कॉलम 1003 है, तो पेन तो हमें समझ में आ गया कि इसका सबका रो 1 के लिए पेन 1 जा रहा है, आइटम 38 ले रहा है आइटम कोड के, लेकिन ये 0 क्या जा रहा है, जो अभी दिलदार सिंह का क्वेश्चन था। ये जीरो इसके पोजीशन को इस अच्छा, पेन लाइन में, नंबर को इस इंडिकेट कर रहा है। पोजीशन को बैकएंड में दिखाता है, बैकएंड में, ना अच्छा कि यहाँ यहाँ का नहीं हो सकता है। मे भी यूजर जो है ये यूनिट प्राइस को पहले सेट कर लिया हो और आइटम नंबर को बाद में, तो ओके आइटम नंबर का पोजीशन तो थर्ड पर चले जाएगा, यूनिट प्राइस फर्स्ट पे चले जाएगा। ओके अगर इसको हम फॉर्म सेटिंग के थ्रू जाएं और
इसको हम आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इसको, बट बैकएंड पे जो होता है इसका पोजीशन ही जीरो में रखा जाता है। जैसे ऐसे अगर हम कर दे तो अब बीपी कैटलॉग मेरा आगे चला जाएगा ठीक इसमें है। लेकिन पोजीशन जो इसका बैकएंड में है वो जीरो है, इसलिए उसमें पेन और वेरिएबल के साथ में उसका जीरो लगाते हैं। ओके, अगर उसमें भी ज्यादा अगर आप कंफ्यूजन है एड्रेस से यदि आप लिखना नहीं चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं इस एड्रेस के बजाय आप डायरेक्ट टेबल से फील्ड नेम को कॉल करा सकते हैं। जैसे कि ये टेबल डॉट फील्ड नेम वन डॉट आइटम कोड, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। सेव करके इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल कर दिए और फिर इसी में जाकर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। सेम वही चीज सेम ही आ रहा है ठीक है। बट अब जो है हमें करना क्या है, आइटम मास्टर पे एडिशनल फील्ड में कुछ हमने फील्ड डाल रखा है, ये आइटम मास्टर है ना, इस पे हमने कोई चीज अपडेट कर रखा है, ASDF कर रखा है, इसको उठा के लाना है फ्री टेक्स्ट, उसको उठा के लाना है ठीक है। तो ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक चीज मैं पूछ लूं। हाँ जी सर पूछिए। अगर ये फ्री टेक्स्ट को हम इस कॉलम को यहाँ से हटा के और पीछे की तरफ ले जाए तो ये जो कोऑर्डिनेट आपने लिखे थे ये चेंज हो जाएंगे? नहीं नहीं, जो 3810 करके आ रहे थे तो जीरो तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, बाकी दो चीजें चेंज हो जाएंगी क्या? नहीं चेंज नहीं, ये जीरो जो है इसका पोजीशन दिखाता है। आप भले ही फ्रंट एंड में आप इसका पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं बट बैक एंड में तो पोजीशन सेम ही रहेगा ना। जो इसका टेबल यहाँ पर जनरेट है इसमें जो आप जाकर देखेंगे इसको अगर आप करते हैं कि सिलेक्ट ऑस्ट्रिक फ्रॉम POR1, इसमें जो आप देखेंगे ये वाली पोजीशन आइटम की पोजीशन कहीं से भी आप करेंगे ना तो ये आइटम यहीं पर रहेगा, इससे चेंजेस ये होगा नहीं। अच्छा, चाहे आप फ्रंट एंड में कहीं पर भी चेंज कर ले सारे का, देखिए चेंज भी कर देंगे लेकिन बैक एंड देखेंगे तो ये इसी जगह पर आएगा लाइन नंबर जीरो। आप प्रीव्यू को चेंज कर रहे हैं ना कि बैक एंड को चेंज कर रहे हैं? ठीक है ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि दूसरा दूसरा ये दूसरा डेटाबेस है कि हमें आइटम का उठाकर लाना है इस पर कोई वैल्यू ठीक है। आइटम का ये आप देखते हैं तो SWW फील्ड है और ऑलरेडी हम लोग अपने क्वेरी में क्या किया है कि आइटम का कोड जो है FMS के थ्रू उठा चुके हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ पर कंडीशन लगानी है कि सिलेक्ट फ्रॉम OIDM आइटम कोड इक्वल्स टू आइटम कोड में मेरा ये आउटपुट आ रहा था करंट का, तो आइटम मास्टर का आइटम कोड क्या होगा? करंट वाली आइटम कोड। और इसका फील्ड कौन सा उठाना था? SWW क्या था? SWW था। इसको हम सेव कर देते हैं, कैंसिल। अब यहाँ पे उसको हम FMS लगा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक बार देख ले कौन सा फील्ड था। SWW अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो SWW का वैल्यू मुझे मिलेगा। ये देखिए ये था एडिशनल ASDFF करके उसमें किया हुआ था। अब इस FMS को अप्लाई करना है तो इस टेक्स्ट पर Alt Shift और F2 आप प्रेस करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगा ठीक है। ये ओपन होने के बाद में यहाँ पर है तीन ऑप्शन है, विदाउट सर्च इन यूजर डिफाइंड वैल्यूज मींस ब्लैंक होगा, यूजर डिफाइंड से आपको नहीं आएगा। सर्च यहाँ पर आपको लेनी है, सेव क्वेरी से उठानी है कि आपने क्वेरी क्या बनाया है और उसके बाद इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और ओके। इसके बाद नीचे जाएंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स ऑटो रिफ्रेश के लिए है। ऑटो रिफ्रेश मींस क्या
कि आप ये इस आइटम का कोड चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये वैल्यू भी चेंज होते रहेगा। ये भी दो इसमें भी किस किसके बेस पर ऑटो रिफ्रेश आपको करना है तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना होगा कि आइटम कोड किसके बेस पर किस पर डिपेंडेंट वो वैल्यू है। आइटम नंबर पर है तो आइटम नंबर हम सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पर भी अब दो वैल्यू दो ऑप्शन है नीचे में, ध्यान से देखिएगा, रिफ्रेश रेगुलरली और डिस्प्ले सेव्ड यूजर क्वेरीज वैल्यू। तो कोशिश कीजिए हमेशा कि ऊपर वाले को हम चेक करके ना चले, नहीं तो यूजर अगर इसी फॉर्म को फिर से खोलेगा तो ये अपडेट मोड में जाएगा। okay. इसलिए डिस्प्ले वाले को करें और इसको अपडेट कर लो। आप यहाँ पर आ गया, अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे। इस जगह पर ASDF आ रहा है, दूसरे आइटम पर हम चेंज करके और फिर उसी आइटम पर चेक करते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है। अब एक दूसरा आइटम लिए, काफी स्लो है तो अभी स्लो हो गया हो, दिन भर तो चलते ही रहता है, बिल पे रख रखे है ना। इस पर हम कर देते हैं टेस्ट, टेस्ट ये वाली आइटम है, ठीक है, इसको कॉपी करके वहां डालेंगे। देखिए यहाँ पर टेस्ट ऑटोमेटिक उठा दिया है। सही है, बताइए कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए।